प्लेबॉय प्रॉपर्टी डीलर बहुत ऊंची चीज होती है, वो खरीदार को एक पेड़ पे टांग देता है और बेचने वाले को दूसरे पेड़ पे टांग देता है, बाद में खामोश होकर बैठ जाते हैं और देखते हैं खाज किसकी ज्यादा चल रही है, उसी की चमड़ी उतार ली। अब आप किसी प्रॉपर्टी डीलर से आपका सामना हुआ हो, उसकी कार्यशैली को याद करना और आनंद लेना। मैंने एक प्रॉपर्टी डीलर से पूछा, तेरी प्रॉपर्टी कहां गई भाई? बोला बेच खाई। मैंने एक प्रॉपर्टी डीलर से पूछा, तेरी प्रॉपर्टी कहां गई भाई? बोला बेच खाई। मैंने पूछा अब क्या कर रहा है? बोला अब दूसरों की बिकवा रहा हूं। मैंने कहा मुझे भी एक मकान चाहिए, कोई अच्छा सा हो तो दिलवाइए। वो बोला करते क्या है आप? पहले जेब का नाप देखता भाई, करते क्या है आप? मैंने कहा जी मैं कवि हूं जनाब। बोले हाँ कवि है, कविता करते हैं, तब एक मकान है बहुत आलिशान है। कवि है कविता करते हैं, तब एक मकान है बहुत आलिशान है। मैंने कहा मकान की कोई विशेषता? बोले मकान के एक बाजू पागलखाना है, दूसरी तरफ शमशान है। मैंने कहा एक तरफ पागलखाना दूसरी तरफ शमशान? बोला खास आपके लिए ये श्रीमान, ये तो कस्टमर बहुत आते हैं पर ये मकान हम सिर्फ कवियों को ही दिखाते हैं। मैंने कहा कवियों को किस लिए? बोला इसलिए कि आते तो आप हो ही, आते तो आप होते ही हो, देश में पूरे भी हो जाओगे तब इलाज की सुविधा पड़ोस में पाओगे, और जो लोग आपकी कविता की चपेट में आएंगे उनका भी रखना पड़ता है ध्यान, इसलिए मकान की दूसरी बाजू है शमशान। मैंने कहा मजाक मत कीजिए, मकान नहीं दिला सकते तो कोई प्लाट दिला दीजिए। बोला नहीं नहीं प्लाट मत लीजिए, बना बनाया मकान लीजिए, आप बना नहीं पाएंगे। मैंने कहा क्यों नहीं बना पाएंगे? बोले बना नहीं पाएंगे। मैंने कहा क्यों नहीं बना पाएंगे? अरे बोले आप समझेंगे तो पछताएंगे। कल ही बाजार में एक व्यक्ति ने दूसरे से कहा कि एक कवि ने मकान बनाया, तो दूसरे ने पूछ लिया तुझे चुटकुला किसने सुनाया? कवि ने मकान बनाया तो दूसरे तराक पूछ लिया कि तुझे चुटकुला किसने सुनाया? मैंने उसे अपना पिंड छुड़ाया, अपने दोस्त के पास आया, उसने भी जले पे नमक छिड़का, अपने नव निर्मित मकान का फोटो मुझे दिखाया। बोला मकान बाद में दिखाऊंगा, मकान बनाया उसका फोटो देख लिया। जो मैं वहां से आया, मेरे मित्र ने अपने नव निर्मित मकान का फोटो मुझे दिखाया, वो फोटो देखते मैंने तारीफ की। मैंने कहा क्या आलिशान मकान बनाया है दोस्त, मकान के सामने कितना आलिशान कितना खूबसूरत पेड़ लगाया है, क्या आलिशान मकान बनाया है तूने, मकान के सामने कितना खूबसूरत पेड़ लगाया है। वो संभलते हुए बोला पेड़ अभी नहीं लगाया है, अभी सिर्फ मकान बनाया है, दरअसल ये पेड़ फर्जी है जो इस फोटो में ट्रिक फोटोग्राफी से आया, अभी मकान नहीं बनाया है, अभी पेड़ नहीं लगाया, अभी सिर्फ मकान बनाया है, दरअसल ये पेड़ फर्जी है जो इस फोटो में ट्रिक फोटोग्राफी से आया है। जो उसने वस्तु स्थिति समझाई, मैंने भी अपने मकान की फोटो निकाल कर उसको बताई, मैंने भी अपने मकान की फोटो निकाल कर उसे बताई। वो फोटो देखते ही बोला ये तो कमाल हो गया भाईजान, वैसे का वैसा पेड़, वैसे का वैसा मकान। मैंने कहा दोस्त भगवान की मर्जी है लेकिन इस फोटो में पेड़ ओरिजिनल है। इस वाली फोटो में पेड़ ओरिजिनल है, मकान फर्जी है। आप कहेंगे मैंने कविता क्यों बनाई है, किसलिए आपको सुनाई है, और पंक्तियां सुनना रचना लिखने का मकसद पहुंचे तो मुझे आशीर्वाद देना। आप कहेंगे मैंने कविता क्यों बनाई है, किसलिए आपको सुनाई है। मैं इस कविता में कहना चाहता हूं दोस्त कि देश के नेताओं ने देश की जनता को पिछले 57 साल में देश की तरक्की की जो तस्वीर दिखाई है, दरअसल वो तस्वीर तो ओरिजिनल है पर उसमें तरक्की ऐसे ही टिक फोटोग्राफी से आई है। ऐसे ही